हमारी ग्रीन स्क्रीन आ चुकी है, लेकिन ये आंदोलन सही तरीके से इनकी वाजिब मांगों को माना नहीं गया तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, ये हम सरकार को बताना चाहते हैं। तो आज है 13 तारीख और 13 तारीख को क्या हुआ था, 1927 अमरावती में बाबा साहब की अध्यक्षता में वराड़ प्रांतिक परिषद का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था आज ही के दिन 13 नवंबर 1927 को। और लास्ट वाले ब्लॉग में मैं आपको बताना भूल गया कि 12 नवंबर को जयंती जो मूवी है वो रिलीज हो चुकी है और फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम देख नहीं पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज हम देख पाए। अगर आज पॉसिबल होता है तो ज़रूर आपको रिव्यू मिलेगा, अगर नहीं पॉसिबल होता तो कल तो हम ज़रूर जाने वाले हैं जयंती मूवी देखने के लिए। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी परा। तो राहुल और मोहित फिर से यहाँ पर आप देख रहे हैं साइकिल चला रहे हैं, मोहित अपने साइकिल पर है, राहुल भी अपने साइकिल पर, पिछले बार उन्होंने साइकिल एक्सचेंज कर दिया था। और ये इनका फ्रेंड भुवन, भुवन बाम है क्या? नहीं ना। पिछले काफी कुछ दिनों से एसटी महामंडल ये आंदोलन कर रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। महाराष्ट्र के अंदर में हम उनका समर्थन कर रहे हैं और हमारे जिले के माध्यम से भी उनका समर्थन हो रहा है, तो देखेंगे आज उनके पास में जाकर उनकी क्या समस्या, बातचीत करेंगे और आपको जरूर दिखाएंगे। मैं हर बार ये बात कहता हूँ साथियों अपने ब्लॉग के माध्यम से कि जो बहुजन मीडिया है वही सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम की मीडिया वो बातों को नहीं दिखाता जहाँ पर बहुजन समाज की सही मायने में समस्या है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिखाए हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या बातचीत हो रही है, यहाँ पर किस लिए हम यहाँ आए हुए हैं, क्या कारण है, यहाँ पर क्यों आया मतलब? जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसटी महामंडल का जो है मतलब कर्मचारियों का जो है यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है जी। तो इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए हमारे गोंदिया जिले की बहुजन समाज पार्टी की जो पूरी टीम है यहाँ पर, हम उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हैं। उनसे हमारे जो पदाधिकारी वो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने के बाद में उनके आंदोलन की क्या क्या भूमिका रहेगी, उनकी क्या क्या डिमांड्स है, ये जो हमारे जिले के पदाधिकारी ये जान रहे हैं। और उसके साथ ही इसके आगे की भी भूमिका क्या होगी और इनकी जो जो निर्णय रहेंगे उसमें बहुजन समाज पार्टी जो है पूरी तरीके से उनके साथ में सुख और दुख में हमेशा के लिए खड़ी रहेंगी, ये यहाँ पर बातें होगी। हितेश ने तो बताया कि यहाँ पर हम किस लिए आए हुए हैं, आंदोलन किस कारण है, और लेकिन जानते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन के बारे में। आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है, हम हमारे को काम करके भी सबसे पहले पगार कम मिलती है जी, बिल्कुल। पगार कम मिलने के बाद भी पगार समय पे नहीं मिलती, ये दूसरी बात है, इससे हमको आर्थिक परेशानी का बहुत यानी सामना करना पड़ता है। उसके कारण हमारी एक ही मांग है, आज तक के हम बहुत कम पगार में काम किए, पर अब हमारी अवस्था ऐसी हो गई हमारे कर्मचारी कि उनको मरने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और सरकार सोई हुई है, जो भी सत्ता में सरकार आती है हमको हमेशा आश्वासन देती है, सिर्फ आश्वासन देके हमारा हमको समझा बुझा करके हमको हमेशा निराश किया जाता है, उस पर आज तक कोई भी तोड़गा नहीं निकला है। उसके कारण से हमारे महाराष्ट्र में कम से कम 35 से 36 कर्मचारियों ने आत्महत्या जैसा एक बड़ा कदम उठा लिया है। उसके कारण से हमारी सभी कर्मचारी की एक ही मांगनी है कि शासन में विलीनीकरण कर दिया जाए, कि बाकी जो राज्य सरकार के कर्मचारी है उनको जैसी पगार मिलती है, उनको जैसे भत्ते मिलते हैं, उनके ऊपर मरने की कोई ज़रूरत नहीं आती, वैसे हम भी एक स्वाभिमान की ज़िंदगी जिए, ये मेरी आपके मार्फत सरकार तक के पहुँचाने के लिए मैं आपके मार्फत एक बात कह रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही भूमिका रही है, फिर वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही शोषित वंचित के साथ रही है। और गोंदिया जिले में बहुजन समाज पार्टी जो है और हमारे पूरे पदाधिकारी जो है वो इस आंदोलन का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। और राज्य सरकार को हम कहना चाहते हैं कि आप फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो लेते हो, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हो। इस समय ये जो एसटी महामंडल के कर्मचारियों का जो मुद्दा है
वो मुद्दा आपको दिख नहीं रहा है। ये अभी अभी इन्होंने बताया है कि बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की है, तो ये आत्महत्या करने का कारण ढूंढने के बाद आपने इनको अपने सरकार में विलीनीकरण करना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपने नहीं किया। अगर ये आंदोलन और आगे बढ़ा, और आज बहुजन समाज पार्टी ने इसका समर्थन किया है ना, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने साहब ने बोला है कि अगर ये आंदोलन सही तरीके से इनकी वाजिब मांगों को माना नहीं गया तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, ये हम सरकार को बताना चाहते हैं। ये जो अन्याय शोषण हो रहा है एसटी कर्मचारियों का, उनको न्याय मिलते तक बहुजन समाज पार्टी उनको साथ देंगी, उनके आंदोलन में सहभागी है। ये जो कर्मचारी लोग हैं इनको पगार बहुत ही कम है, इस पगार में वो अपनी ज़िंदगी कर ही नहीं सकते, इसलिए इनका जो आंदोलन है ये आंदोलन सही है। महाविकास आघाड़ी की सरकार इस राज्य में है, इन लोगों ने ये जो महामंडल है वो महामंडल को शासन में विलगीकरण करना चाहिए और शासकीय नियम के अनुसार इन लोगों को पगार मिलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी जब तक कि इन लोगों को न्याय नहीं मिलता तब तक इनके साथ में लड़ती रहेंगी, इस आंदोलन में सहभागी है। आपको पता है कि देश भर के अंदर बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र ऐसी पार्टी है जहाँ पर भी अन्याय अत्याचार होता है सर्वजन समाज के साथ में, बहुजन समाज के साथ में, वहाँ पर पूरी दमखम के साथ में, पूरी ताकत के साथ में वो खड़ी रहती है। महाराष्ट्र प्रदेश के अगर हम बात करें तो हमारे एडवोकेट संदीप ताजने साहब जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है जो बहुजन समाज पार्टी के, तो उन्होंने मुंबई के अंदर में समर्थन दिया है और यहाँ पर हम अपने जिले के माध्यम से, हमारे गोंदिया जिले के माध्यम से समर्थन देने के लिए हम यहाँ पर आए हुए। जो हमारे जिले के जो मुख्य पदाधिकारी है वो यहाँ पर उन आंदोलनकारियों से बातचीत कर रहे हैं और उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि उनकी जो भी समस्या है उन समस्याओं का निवारण करने के लिए पूरे दमखम के साथ में हम उनके साथ में खड़े हैं। कामगार एकजुटी चा विजय हो, विजय हो, कामगार एकजुटी चा विजय हो, विजय हो। तो यहाँ पर आने का जो रीज़न है, अभी मैं ताई के यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि द थिंग का जो नया सेटअप आया वो कैसा है और किस तरीके से अभी वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई। तो यहाँ पर संदीप बाबू है, जय भीम, हितेश जय भीम, और नया सेटअप आपको दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है ये कुरियर का कितने दिन पहले आया बाबू, ये 5-6 दिन पहले, ये 5-6 दिन पहले, और यहाँ पर जो चीज़ पैक थी वो ओपन हो चुकी है क्योंकि अनबॉक्सिंग हमने कर लिया और अनबॉक्सिंग किए ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन लगा और इसका जो ये स्टैंड है, ये आई थिंक ये स्टैंड के ऊपर में ही इसका जो अमाउंट है वो हम बता देंगे कितना, थोड़ी देर में बता दो। और बहुत ही शानदार तरीके से ग्रीन स्क्रीन है और जो कि हमको द थिंग में इम्प्रूवमेंट और ब्लॉग्स में आएगी। और ये यहाँ पर अंदर का जो सेटअप है, ये दो हमारे पीसी है जहाँ पर हमारी एडिटिंग होती है और उसके बाद में वहां पर वीडियो शूट होता है जो अभी मैंने आपको दिखाया। हमारी ग्रीन स्क्रीन आ चुकी है लेकिन इसके बाद हमको एक और चीज लेना है, वो है रिंग लाइट। रिंग लाइट के सिवाय ग्रीन स्क्रीन कुछ काम की नहीं है, इसमें सही काम नहीं हो रहा, मैंने देखा हूँ। और द थिंग में थोड़ा अपडेट करते जा रहे हैं। द थिंग ये आपको बता देता हूँ कि द थिंग किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रही है, पार्टी हमको स्पॉन्सर नहीं कर रही है जी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि बहुजन समाज की सामाजिक धार्मिक राजनीतिक कोई भी खबर हो वो आप तक पहुंचे, इसलिए ये सब हम कर रहे हैं। तो द थिंग अगर आपने अभी तक के नहीं चेक किया है तो जरूर हमारे इस YouTube पर जाइए और द थिंग को सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए और कमेंट बताइए कि आपको द थिंग के वीडियोस कैसे लगते हैं। तो आज के व्लॉग में इतने ही, मिलते हैं नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में कोई भी चीज अगर पसंद आएगी लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।